बैठे हैं उधर, सो जा। ये इन भाइयों की मैगी आ गई है, जल्दी खा लो भाई, चल रहे हैं पहाड़ वाली मैगी खाने आए हुए यहाँ पे। हेलो गाइस, क्या हाल है? आज है हमारा सेकंड डे मसूरी में, तो हम रेडी होके सारे भाई निकल चुके हैं। देखते हैं आज कहाँ जाएंगे, कोई प्लान नहीं है अभी तो। और स्कूटी हमारी आ चुकी है, होटल के बाहर खड़ी है, अभी निकलते हैं। अनमोल और मेरा भाई मोनू जा चुका है, ऋतिक पीछे गेट लॉक कर रहा है, मैं भी रेडी हो चुका हूँ पूरा, चलते हैं बाहर। लॉक कर दिया सही, देख ले एक बार, देख लिया भाई, ठीक है। आज देखते कहाँ कहाँ जाएंगे यार, मसूरी लेक जाएंगे, जोर जबरदस्त जाएंगे, कैंप टी फॉल तो कल हम विजिट कर चुके थे, चलते हैं बाहर। ये रही हमारी दोनों स्कूटी आ चुकी है, एक ये रही एंटॉक, एक ये रही महिंद्रा की। बाकी आज धूप बहुत तेज निकली हुई है, आज धूप जितना कल ठंडा मौसम था, धूप उतनी तेज निकल गई है, पर मौसम ठंडा है अभी, पर धूप अच्छी आई हुई है, आज मजा आएगा घूमने में। हाँ भाई ऋतिक चले, 12:30 हो गए, 12:30 हो चुके, टाइम निकलते हैं। लाल टिब्बा में पार्किंग में गाड़ी लगा दी है, चारों भाई ऊपर जा रहे हैं लाल टिब्बा में, आपको दिखाते हैं यहाँ से व्यू और क्या क्या है ऊपर, सारी चीजें दिखाएंगे, पूरा एक्सप्लोर करेंगे, फुल एंजॉय होगा फुल। वो पार्किंग में गाड़ी लगा रहे हैं, अपने कपड़े वगैरह जो जैकेट वगैरह उन्होंने पहन रखी थी वो रख रहे हैं। काफ़ी ऊपर आ चुके हैं हम यार, 6,000 फीट से भी ज़्यादा ऊपर आ चुके हैं, चलते हैं लाल टिब्बा की तरफ। चले भाई, चलो भाई, थैंक यू, रख दो, चलो। तो लाल टिब्बा कैफे हम पहुँच चुके हैं, पीछे तो व्यू देखो यार, काफ़ी अच्छा व्यू है, देखो मैं बैक कैमरा से एक बार। भाई हाँ, व्यू देखो यार आप यहाँ से, बहुत प्यारा व्यू आ रहा है। देखते हैं क्या दिख रहा है, अनमोल दिख रहा है, केदारनाथ के पहाड़ दिख रहे हैं अंकल, यहाँ से क्या दिख रहा है? कुछ नहीं, व्यू पूरा, अच्छा नहीं दिख रहा, वो कह रहे हैं यहाँ से पूरा व्यू दिख रहा है नीचे का ना, पूरा नीचे का देख रहा है अनमोल। अरे यार इनके हो के चक्कर में यही बिला रहा है ऋतिक जा रहा है, मैं भी ट्राई करता हूँ। दिख रहा है मंदिर भाई कुछ? दिख रहा है कुछ? केदारनाथ के पहाड़ दिख गए? दिखे दिख गए केदारनाथ के पहाड़? कमरा चक्कर ज्यादा आ रहे हैं, केदारनाथ के पहाड़ दिखे? हाँ, बिल्कुल क्लियर दिख रहे हैं अपने घर दिख रहा है ना, तो मेरा घर भी दिख रहा है दिल्ली यहाँ से डायरेक्ट, दिल्ली मेट्रो दिख रही है, दिल्ली मेट्रो दिख रही है, बाहर से लाल टिब्बा कैफे ऐसा है, देखो लाल टिब्बा अच्छा बना रखा है काफ़ी, रेस्टोरेंट व्यूज़ के लिए भी है। बाकी नीचे उतर के हम जा रहे हैं थोड़ा अंदर जंगल की तरफ, यहाँ पर काम चल रहा है। कहाँ जा रहा है? जंगल सफारी करने जा रहा है क्या मसूरी में? जिम कॉर्बेट है क्या मसूरी में भी? हैं, पता नहीं कहाँ जा रहे हैं जंगल में साले। निकल चुके हैं लाल टिब्बा से, दूसरी लोकेशन पे जा रहे हैं अब यहाँ से, काफी यहाँ पे मजा आया, काफी एंजॉय किया यहाँ पे, अब दूसरी लोकेशन पे जाते हैं, वहीं आपको बताएंगे कहाँ पे आए हम, चलो चलते हैं। पहुंच चुके अपनी लोकेशन पे, हम आए हैं मसूरी लेक, दिखाता हूँ मैं आपको कैसा बना हुआ है। गाड़ी हमने पार्किंग में लगा दी है यहाँ पे, हर जहाँ जहाँ आप जाएंगे वहाँ वहाँ आपको गाड़ी की पार्किंग देनी पड़ेगी, 50 रुपीज़ 30 रुपीज़ ऐसे पार्किंग है यहाँ पे, फुल डे की, कोई आवर्स का वो नहीं है सीन कि एक घंटे के लिए मिलेगी आपको पार्किंग या 2 घंटे के लिए, नहीं फुल डे आपको पार्किंग मिलेगी। इसके चार्जेस 50 रुपये 60 रुपये 30 रुपये हो सकते हैं, अलग अलग लोकेशन पर अलग अलग प्राइस होंगे। चलते हैं अंदर मसूरी लेक में, दिखाता हूँ कैसा बना हुआ है, देखते हैं भाई अंदर चल के कैसा बना हुआ है, कितने की टिकट है?
तो नीचे आ चुके हैं मसूरी लेक पे, झील बना रखी है यहाँ पे इन्होंने पूरी, यहाँ पे बोटिंग कर सकते हैं हम। ये पूरा इसका झील है, रोलर भी है सामने। हल्की हल्की बारिश होने लग गई है और हल्की है अभी। मार्केट एरिया भी है यहाँ पे, मार्केट भी है यार। हम मसूरी लेक से निकल रहे हैं यहाँ पे ना, बारिश की वजह से ना यार कोई एक्टिविटी चल नहीं रही। पहले सोचा तो बोटिंग करेंगे और भी देख दो चीज़ें करेंगे, पर बारिश की वजह से ना यहाँ पे सब इन्होंने मना कर दिया है। तो अब यहाँ पे हम ज़्यादा वेट तो कर नहीं सकते, 3 से 4 बज चुके हैं और भी हमें जगह जाना है। तो मसूरी लेक से हम निकल चुके हैं, बारिश अभी भी हो रही है पीछे, ये देखो। तो यहाँ से निकल रहे हैं, ऊपर चढ़ रहे हैं अपनी स्कूटी की तरफ, स्कूटी लेते हैं फिर वहाँ से चलते हैं आगे, देखते हैं कहाँ जाएंगे। तो चलते हैं, ठंडे ठंडे बारिश के मौसम में खा रहे हैं भुट्टे। तो फाइनली हम अपनी दूसरी लोकेशन पे आ चुके हैं, हम आए हैं जॉर्ज एवरेस्ट। यहाँ पे हमने गाड़ी पार्क कर दिया और 1 किलोमीटर तक बता रहे हैं भैया ऊपर चलना है पैदल। हाँ भाई, 1 किलोमीटर तक चलना है पैदल, चले बढ़ेगा। 1 किलोमीटर तक ऊपर जाएंगे, गाड़ी हमने लगा दी है, जॉर्ज एवरेस्ट में जा रहे हैं। देखते ऊपर चल के वो कैसा बना रखा है। अभी तक जितने भी हमने घूमे सारे बढ़िया लगी, लोकेशन वगैरह सब अच्छा था, फुल इन्जॉय किया। अब जा रहे जॉर्ज एवरेस्ट, पहले कुछ खाते हैं, भूख लग रही है, टाइम हो रहा है, 5 बज चुके हैं दोपहर के, अभी तक कुछ खाया नहीं है। सुबह ही नाश्ता किया था हमने, पराठे खाए थे आलू के। देखते हैं यहाँ से कुछ लेते हैं, हल्का फुल्का खाएंगे, ज़्यादा नहीं खाएंगे ताकि 1 किलोमीटर चल भी सके। लेते हैं पहले कुछ यहाँ से। ये इन भाइयों की मैगी आ गई है, जल्दी खा लो भाई, चल रहे हैं पहाड़ों वाली मैगी खाने आए हुए यहाँ पे है भाई, जल्दी खाओ, चल रहे हैं हम भी खाते हैं, कैसे भूख लग रही है बड़ी तेज, खा के चलते हैं ऊपर। अभी तो इतनी दूर और जाना है, मोनू क्या होगा तेरा भाई, मोनू की हालत ख़राब है चलते चलते। हाँ भाई क्या हाल है, के बाद ऐसी चढ़ते दिल्ली के हमारे अलावा कोई भी नहीं है। ये थक गया भाई, थक गया, अभी तो 1 किलोमीटर चल रहा है, चढ़ाई खड़ी है इसकी बहुत, ऊपर ही मिलते हैं आपसे, चलते हैं जब तक धीरे धीरे चल रहे हैं, 1 किलोमीटर है पूरा। मोनू भाई क्या हुआ, कब आएगा भाई, बहुत दूर है यार, हालत खराब हो गई। अनमोल कब आएगा भाई, अभी अब आना, वो आया हुआ कुरकुरे खाने, क्या खा रहा है कुरकुरे, इसकी तो हालत खराब हो गई बेचारे की, चलते चलते पूरा 1 किलोमीटर है। अभी तो आधे से ज़्यादा हमने कवर कर लिया, 700-800 मीटर कवर कर लिया है, बस 200 मीटर के करीब रह गया है, जा रहे हैं ऊपर धीरे धीरे, हम भी बढ़ रहे हैं आगे की तरफ। आ जा 100-200 मीटर होगा बस भाई, तो जाना है और ऊपर जाएंगे, कोई नहीं नहीं, जोर जोर चलेंगे जब आए। पर हम तो वहीं जाएंगे मोनू, जॉर्ज एवरेस्ट तू यही फोटो वोटो खींचे, हम ऊपर हो गए खेला मैं नहीं जाऊँगा, मैं वेट करूँगा, किसका वेट करें हमारा हम चलेंगे ना ऊपर। हाँ भाई मज़ा आ रहा था चढ़ने में, मज़ा तो आ रहा है, हालत भी ख़राब हो रही है। कुरकुरे खा, होटल जाकर खाना खा के सीधा लेटेंगे, फिर थोड़ी देर में जाएंगे माल रोड। तो ऊपर तो आ चुके हैं यहाँ पे, मेरा भाई भी आ रहा है, और ऊपर जाना है तो सामने रोड जा रहा है बिल्कुल वहाँ पे, वहाँ देखते हैं जाएंगे या नहीं जाएंगे, पहले यहीं से थोड़ा एंजॉय करते हैं, यहाँ का व्यू देखते हैं। गोल ग्राउंड बना रखा है, पार्क टाइप गोल पूरा, देखते हैं और बाकी ऊपर जाएंगे या नहीं जाएंगे। मैं तो इनसे बोल रहा हूँ चलते हैं यार, बट ये मना कर रहे हैं, बहुत ऊपर है वो देखो पूरा, वहाँ से व्यू देखते हैं कैसा आ रहा है, व्यू तो काफ़ी अच्छा आ रहा है यार, डर लगेगा भाई बिल्कुल लगेगा, देख अबे आना ऊपर नहीं लगेगा यार, कैसे कर रहा है, बहुत बढ़िया बना रखा है यार, देख रहे हो व्यू, धुंध हो रही है, फॉग हो रहा है इसलिए दिखेगा नहीं आपको। चलो यार नीचे चलते हैं भाई, वहाँ बैठेंगे थोड़ी देर, कुछ खाते हैं, दोबारा से भूख लग गई। बाकी यार यहाँ से क्रिकेट खेलो यहाँ पे है अनमोल, क्रिकेट खेला इधर,
नहीं यार, हर गोली पहाड़ों में मिलेगी तुम्हें। बढ़िया बना रखा है, काफी साफ सुथरा है, अच्छा है काफी। रूम रहे हैं है? ये देख कैसे सो रहा है, सो रही है। कहाँ गए वो दोनों? बैठे हैं उधर, सो जा। बाय बाय। तो यहाँ से निकल के हम जा रहे हैं अपने होटल में, काफ़ी थक चुके हैं और बैटरी भी मेरे फ़ोन की डाउन हो चुकी है, पावर बैंक की भी डाउन हो चुकी है, बैटरी इन्होंने चार्ज कर लिया है। तो सीधे होटल में मिलते हैं। होटल ले लो, बैग ले लो यार, भूलो मत कुछ यार, सामान भूल जाते हैं यार ये मेरे बंदे ना। अब फिर दोबारा 1 किलोमीटर नीचे जाना पड़ेगा। तो आ चुका था मैं अपने होटल में, थोड़ा आराम करेंगे, रेस्ट करेंगे, सोएंगे, फिर रात को देखते हैं क्या करना है। अभी कोई प्लान नहीं है, अभी तो सिर्फ सोने जा रहे हैं, थक चुके हैं काफ़ी, 7 बज चुके हैं, रात को 8 बजे। तो आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट व्लॉग के लिए, टिल देन बाय।